ठीक है सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा क्लास है कि जॉब है या प्रोफेशन, किसमें हमको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, ये क्लास जो पढ़ाया जाएगा इसमें आपको काफी अच्छी चीजें और अच्छे तरीके से कैलकुलेटिव वे में पढ़ाया जाएगा। इधर उधर से वो चक्कर नहीं है कि आप कंफ्यूज होते फिरें, साहब हमको थोड़ा ये कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन है। तो हमको कंफ्यूजन दूर करना है किस चीज में इस क्लास के अंदर, वो ये है कि क्या मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, कोर्स के अंदर सबसे पहले तो ये है कि जॉब या बिजनेस। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के 20 स्टेप होते हैं। क्या स्टेप होता है जॉब का, कि जी मेरे को जॉब कब मिलेगी, मेरा प्रमोशन होगा, मेरा डिमोशन होगा, मेरा ट्रांसफर होगा, मेरे को बॉस तंग करता है, मेरे को सबॉर्डिनेट तंग करते हैं, यही जॉब के अंदर प्रॉब्लम होती है। सिमिलर इन द बिजनेस, क्या मैं बिजनेस अच्छे से चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा, फादर के बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो आदमी ज्यादातर कंफ्यूज रहता है इन मामलों में, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये कोर्स को थोड़ा ड्राफ्ट किया था। ठीक है, अब हमें जॉब करना है या बिजनेस करना है, इसके लिए क्या है कि मैंने कुछ एक पॉइंट ड्राफ्ट किए हैं। जैसे एक वैदिक पद्धति से आपको बताया जाएगा, जो मैंने ड्राफ्ट करी है वो है सुदर्शन पद्धति। बहुत इजी है, सुदर्शन पद्धति। ठीक है, इससे मालूम पड़ेगा। देन आपको बताया जाएगा अष्टक वर्ग से कि क्या मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, अष्टक वर्ग से। फिर आपको ये बताया जाएगा पूर्ण परमात्मा ग्रह से, पूर्ण परमात्मा ग्रह कौन कौन से होते हैं, पहले तो वो पता होना चाहिए। सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, मंगल होता है और राहु, ये 4 ग्रह पूर्ण परमात्मा के होते हैं। ये पूर्ण परमात्मा ग्रह हमें बताते हैं कि हमको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है चौथा वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा राहु से, कि राहु हमें बताता है कि क्या करना चाहिए। कलयुग के महाराज जो है ना, राजा महाराजा, वो राहु देवी हैं भाई साहब, वो गलत फहमी में ना जिए। पांचवा पॉइंट आता है हमें शनि से देखना है। ठीक है, छठा पॉइंट आता है हमारा तत्व से देखेंगे हम, कौन कौन से तत्व हैं, जल तत्व है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इससे भी जानते हैं हम। ठीक है, अब आप इन सभी चीजों से देख रहे हैं और सबसे लास्ट में मैं आपको नाड़ी से सिखाऊंगा। अभी यही बता दूंगा, मैंने लास्ट टाइम जब पहली बार ये कोर्स लॉन्च किया था तो मैंने नाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था और सभी स्टूडेंट ने बोला कि नाड़ी पढ़ा दीजिए। वो सारे स्टूडेंट को मैं नाड़ी पढ़ाऊंगा, जबकि ऐड भी होगा। नाड़ी से पलक झपकने से पहले पता लग जाता है कुंडली में, पलक झपकने से पहले, इतना फास्ट है। तो ये हल्का सा रहेगा इस कोर्स में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये कोर्स कॉस्टली किया था तो इसलिए जो है इसको मैंने फ्री पढ़ा दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बार उन्होंने सबने मेरे से कहा सर आप प्रॉपर पढ़ा दीजिए हमको, तो प्रॉपर बना देंगे इसको। सो देयर आर 7 टेक्निक्स। अब आप 7 टेक्निक से आराम से इजीली जजमेंट कर सकते हैं। यू कैन टेक आउट द एलसीएम और यू कैन एससीएफ एज पर द मैथ फॉर्मूला, एम आई राइट? आपको इजीली पहुंच जाएंगे कि मुझे जॉब है ये क्या है। बात क्लियर हो गया? अष्टावक्र बहुत बेहतरीन तरीके से विद इन 1 सेकेंड बता देता है आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, विद इन 1 सेकेंड। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब हमें शनि को समझना होता है। किसी की भी कुंडली में शनि महाराज जहां भी बैठे हैं, सपोज किसी के शनि कहीं पे भी बैठे हैं, सी द सेकेंड हाउस फ्रॉम द शनि, दिस इज द सेकेंड हाउस। सी द 10th हाउस फ्रॉम शनि, दिस इज द 10th हाउस। डोंट लुक, दिस इज अ लग्ना, कंसिडर इट एज अ 10th हाउस फ्रॉम सैटर्न। वी हैव टू सी कितने ग्रहों का प्रभाव है, किस ग्रह की राशि है, उस ग्रह पर किसका प्रभाव है,
उस राशि पर किसका प्रभाव है। बड़े ध्यान से समझिए, फिर से कह रहा हूं, शनि क्यों है, शनि इज द कर्म कारका। हम क्या कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो शनि से सेकेंड हाउस देखिए, शनि से टेंथ हाउस देखिए, उस हाउस पर किन प्लैनेट्स का इफेक्ट है और उस हाउस लॉर्ड पर किन प्लैनेट्स का इफेक्ट है, इजीली टू असेस दैट थिंग, ठीक है। अब हम मैं छोटी सी एक झलक बताता हूं सुब्रतो जी, देखो समझो, अभी आप कह रहे थे ना बृहस्पति को बोलते हैं नाड़ी के अंदर, एक नाड़ी की झलक आपके कहने पे मैं दे रहा हूं, इसको बोलते हैं जीव और शनि को बोलते हैं कर्म। क्लियर कि जीव का क्या कर्म होना चाहिए, दिस इज अ क्वेश्चन ना, ठीक है। तो जैसे एक किसी की कुंडली में चेक कर ले, अभी ऑनलाइन शेयर कर सकता है, मंगल शनि है तो अनस्टेबल जॉब हो जाती है, लाइफ अनस्टेबिलिटी वाली हो जाती है, आदमी जॉब बदलता है, तीन चार तो मिनिमम हो ही जाती है। एक सज्जन आए थे मेरी क्लास में, बोले जी मैंने तो 14 बार बदला है, बिकॉज ही वॉज हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड सैटर्न इन हिज बर्थ चार्ट, इजंट इट, सो ही चेंज मिनिमम 14 जॉब्स। हाँ जी सर, मेरा भी है सर। हाँ जी, कितना बदला है सर? 10 बार तो हो ही गया। 10 बार बदल लिया है? हाँ सर। हाँ तो ये नाड़ी का थोड़ा सा है, लेकिन पता नहीं लगता, हमने कॉम्बिनेशन है, मैंने भूला तो आपको पता लगा है ना, अदरवाइज मैं ना बोलूं तो आपको नहीं पता लग सकता, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बारी बृहस्पति और शनि का किसी के कॉम्बिनेशन होता है, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो अपने आप में बोलते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो अपने आप बोलते हैं, वो जीवन में होता है। आदमी टीचर बन सकता है, कमीशन का काम कर सकता है, टीचर है कमीशन का काम कर सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है एक अच्छा, ठीक है। इसी तरह जो होता है, अब कोई आदमी का कॉम्बिनेशन है, ये जो मैं कॉम्बिनेशन सुब्रतो जी पढ़ा रहा हूं, दीज कॉम्बिनेशन आर फ्रॉम द नाडीज, नॉट फ्रॉम द वेदी, आई एम टेलिंग यू। सो सम ऑफ द कॉम्बिनेशन आई विल टीच इन द क्लास इन अ वेरी डिटेल वाइज। सपोज अ पर्सन हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ केतु एंड सैटर्न, इस जन्म में वो आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, वो घाटा ही खाएगा। ही कैन गो ओनली फॉर कंसल्टेंसी, ही विल गेट सक्सेस इन द कंसल्टेंसी, एम आई राइट? ही कैन बी द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, बट ही कैन नॉट बी ए इंडस्ट्रियलिस्ट। गलती से भी ना करे, सारा पैसा जमा पूंजी चली जाएगी उसकी। Is it very clear to you? Sir, एक तो सवाल था, आप जो कॉन्वेंशन बोल रहे हो वो एस्पेक्ट से भी तो हो सकता है। हाँ, वो सारा क्लास का है ना, यहाँ तो देखो डेमो में आप मेरे को पहचानो, मैं आपको पहचानो, हल्का फुल्का रहता है, सभी पॉइंट कवर अप करने होते हैं। क्लास में आप जानते हैं मैं तो एक्स्ट्रा ही देता हूँ, कोई कम तो देता नहीं, जो एक्स्ट्रा हो सकता है वो मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कुछ एक कॉम्बिनेशन होते हैं। देन वील कम टू द राहु। राहु क्या करेंगे? राहु का मतलब होता है, एक और राहु के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जिसमें एक मीनिंग आता है प्रोफेशन के अंदर, रिपीटेशन, रिपीट। रिपीट का काम कौन करता है? एक तो टीचर करता है। रिपीट का काम कौन करता है? टैक्सी वाला करता है, ट्रांसपोर्ट वाला करता है ना, इधर से गाड़ी जाएगा, उधर से फिर इधर आएगा गाड़ी, टीचर को वही लेक्चर बार बार रिपीट करना है, एम आई राइट? रिपीट वाला काम जो होता है वो राहु का होता है, ये याद रखिए, दिस इज एज पर नाड़ी। अब मैं बोल रहा हूं, पहले मैंने नहीं बोला था आपको, ठीक है। तो रिपीट का काम करते हैं राहु देव। अब आते हैं हम सूर्य पर। इफ एनीवन हैविंग सन इन द 10th हाउस, सपोज, अब सन जो है 10th हाउस में बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि मध्याह्न का समय होता है 12 से 2 बजे का यहां पर, तो सन बहुत पावरफुल होता है, क्लियर। ऐसे लोग अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं, व्हाट दे डू इन देयर लाइफ, वो अर्ली एज में अर्निंग शुरू कर देते हैं, ये उनका मेजर ड्रॉबैक है, और वो अपनी लाइफ को ढंग से बना नहीं पाते। चेक कर लो, किसी का भी है तो शेयर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सूर्य 10th हाउस में है, दे स्टार्ट
अर्निंग फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, और जब वो अर्ली एज में अर्निंग शुरू कर देते हैं तो सूर्य उनका वो बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाता, उनको जो काम करना चाहिए था लेट में करना चाहिए था। क्लियर है? नाउ आई एम सेइंग दिस इज D1 एंड आई एम सेइंग दिस इज D10 चार्ट, राइट? दिस इज योर D10 चार्ट, दिस इज D1। द 10th लॉर्ड बिकम Saturn, एम आई राइट? Right? If 10th Lord sitting in the 8th house of D1, the person has unstable job, unstable business, unstable factory, whatever he is doing. उसमें stability नहीं आएगी, क्योंकि जो D1 का 10th Lord 8th में चला गया, तो stability नहीं आएगा उसको। उसको किस चीज में वो राजा बनेगा? यही योग नेगेटिव जो था ये राजा बना देगा। कैसे राजा बना देगा जी? रिसर्च करेगा। आप ऑकल्ट साइंस का प्रोफेशन पकड़ लो, कोई भी, मैंने नहीं कहा एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, मैंने कहा टैरो कार्ड रीडर बन जाओ, हस्तरेखा वाले बन जाओ, ठीक है, हीलिंग वाले बन जाओ, एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। 8th हाउस रिप्रेजेंट ऑकल्ट साइंस, तो आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, न्यूमरोलॉजी वाला काम कर सकते हैं, उसमें आपको स्टेबिलिटी यही योग दे देगा। यानी मैथ का फॉर्मूला क्या होता है? -(-) = +। अब ये जो चीज थोड़ी देर पहले माइनस थी, अब वो पॉजिटिव हो गया, सिंपल सी बात है। ये आना चाहिए हमें बनाने का। बात क्लियर हो गया? अब अगले पॉइंट पर समझते हैं। अब कोई आदमी अपनी कुंडली में चेक कर ले, आइदर कंजक्शन तो चारों नहीं होंगे, विद एस्पेक्ट भी दे विल ट्रीटेड एज लिटिल बिट कंजक्ट, अगर म्यूचुअल है तो दे आर ट्रीटेड एज कंजक्ट। ये चारों ग्रह अगर दो एक जगह बैठे हैं, दो देख रहे हैं, या तीन इकट्ठे बैठे हैं एक देख रहा है, तो ये करोड़पति योग है। दिस इज एज पर नाड़ी, नॉट वेदिक। सो बीच बीच में मैं हल्का सा पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकता, डेट आई हैव टू ड्राफ्ट अ कोर्स फॉर ऑन इट। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, शनि बुध गुरु शुक्र जहां भी अगर गोचर में भी होंगे किसी के, तो भाई साहब उस दौरान उसको अर्निंग बहुत अच्छी होगी, अर्निंग बहुत अच्छी होगी अगर गोचर में भी इनका संगम हो गया तो, ठीक है ना। अब आप कहें जी गोचर में संगम हो गया, अरे भैया उस समय कोई जन्म लेगा उसके तो नेटल चार्ट में आ गए ना, एम आई राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ से जी ट्रांजिट का क्या मतलब? अरे भैया ट्रांजिट तुम्हारे लिए ट्रांजिट है क्योंकि तुम पहले पैदा हुए, तो जो आज के दिन पैदा हो रहा है उसका ट्रांजिट थोड़ी है, उसका तो नेटल चार्ट है। बात क्लियर हुआ? डिफरेंस समझ में आया? तो जो ट्रांजिट में भी योगा बनते हैं वो फल अपना अच्छे वाला देते हैं, अगर वो खराब है तो खराब वाला फल देते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आता है हमारा कि जॉब मिलेगी कब? सर जॉब मिलेगी कब? सिंपल सी बात है, शनि कहीं पे भी बिठा लो अपना, शनि कहीं पे भी बिठा लो, जब भी ट्रांजिट का बृहस्पति इसको टच करेगा आपको जॉब मिलेगा, या सैटर्न को एस्पेक्ट कर ले बृहस्पति तब आपको जॉब मिल जाएगा। बात क्लियर हो गया? देखो सुब्रतो जी सीख लो, बृहस्पति मैंने बोला था जीव, शनि का मतलब है कर्म, तो जीव को कर्म मिल गया यानी उसको काम मिल गया, एम आई राइट? क्लियर? सिंपल वे में ऐसे ट्रांजिट के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, वो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, यहां तो एक हल्का सा कॉम्बिनेशन आपको मैंने बता दिया। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या है? दिस इज अ लियो साइन, लियो साइन में जिसका भी सैटर्न बैठ जाए उसको तो गवर्नमेंट जॉब दे ही दी, गवर्नमेंट जॉब है उसकी। कैसे गवर्नमेंट जॉब है समझो, टेक्निकली समझो, सिंह राशि जो होती है, लियो साइन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, एंड सैटर्न रिप्रेजेंट करता है काम को, तो आपका काम किसके पास करेंगे आप? गवर्नमेंट के पास करेंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट की राशि में
कौन बैठे हैं? शनिदेव बैठे हैं। बात क्लियर हुआ? सिंपल सा तरीका, नो कंफ्यूजन। अब आगे चलते हैं। ये क्या टेंथ हाउस होना चाहिए ना कोई भी हाउस होगा? हैं? पर ये टेंथ हाउस होना चाहिए ना कोई भी हाउस होगा उनमें से चलेगा? जोन सा हाउस पसंद हो वहां कर लो। अच्छा ठीक है। अब आदमी कहता है साहब मेरा प्रमोशन कब होगा? एज यू नो डेट, जैसे मैंने अपना बेसिक मेरा कल है क्लास में, केंद्र के ग्रह और त्रिकोण के ग्रह, त्रिकोण कौन होता है ये, जब इनका कंजक्शन होता है दे गिव्स यू राजयोगा, क्वाड्रेंट प्लैनेट्स एंड ट्राइन प्लैनेट व्हेनेवर दे कंजक्ट इन द ट्रांजिट और इन योर नेटल चार्ट गिव्स यू द राजयोगा। तो जब नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड जो है यानी जुपिटर ये इस चार्ट का है, किसी और का चार्ट कुछ और होगा। सपोज किसी और का चार्ट मान लीजिए लियो असेंडेंट है, तो लियो का हमने रखा, तो यहां पर देखिए यहां पे अलग भी दोनों बनाकर दिखा देता हूं। अब यहां पर बने एक और दो बने ना, यानी मार्स एंड वीनस बने। Whenever in transit Mars and Venus conjunct, the person will get promotion because it becomes a Raj Yoga of quadrant and trine. Is it clear to you? 10th Lord and 9th Lord of your Bhagya, your luck. 10th means your karma. Whenever they are in transit, conjunct or have a mutual aspect, not one is aspecting and second is not, then it does not give you. It has to be mutual aspect. अगर वो एक दूसरे को देख रहे हैं या किसी भी भाव में वो बैठे हैं तब आपको प्रमोशन मिल जाएगा। फालतू में उपाय करने की जरूरत नहीं है, सिलबट्टा घिसने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग फालतू में सिलबट्टा घिसते रहते हैं। अरे काहे को घिस रहे हो? सिंपल सी चीज है, छोटी सी चीज है, आराम से आप समझो और उसको करो। अब क्या होता है, सूर्य को क्या बोलते हैं अपन? राजा। क्या बोलते हैं? राजा। अगर सूर्य के साथ कुंडली में राहु है, यू ऑलवेज हैविंग मिसअंडरस्टैंडिंग विद योर बॉस, मिसअंडरस्टैंडिंग विद योर बॉस, सिंपल। अब कोई पूछे जी ज्यादा कब होंगी? अरे भैया मान लो अभी गोचर में राहु यहां आए हुए हैं, ठीक है, और किसी के चार्ट में मान लो कहीं पे भी जो है, यहां पर मान लो किसी की कुंडली में सूर्य और राहु थे, ठीक है, सिंपल बात समझ आया, कुंडली में कहीं पे भी सूर्य राहु थे नेटल चार्ट में, राहु अभी ट्रांजिट का यहां आया, सूर्य जब अभी सूर्य जो है मीन राशि में है, सूर्य जब सूर्य इसके साथ आ जाएंगे तो मैचिंग हो गया आपका ट्रांजिट और नेटल मैचिंग हो गया। अब आपको एक महीना बॉस से परेशानी रहेगी, चुपचाप अपना मुंह बंद रखो ना, एक महीने तक बॉस आपको तंग करेगा, बात खत्म, इसमें टेंशन क्या है की लेनी है। सूर्य राहु आपके नेटल चार्ट में थे, ट्रांजिट में भी वो इकट्ठे हो गए, सो द मैचिंग हैज बीन फिक्स्ड, आपका नेटल चार्ट का कॉम्बिनेशन और ट्रांजिट का कॉम्बिनेशन मैच हो गया, तो एक महीना बॉस दिक्कत करेगा। जो बॉस बोल रहा है चुपचाप करो ना यार, काय को झगड़ा कर रहे हो? हांजी की नौकरी होती है, नाजी का घर होता है, याद रखो, प्राइवेट नौकरी में हांजी की नौकरी है, नाजी का घर है, ये बात दिमाग में बिठा के रखें। और सरकारी तंत्र में क्या है भैया, ट्रांसफर हो जाएगा, आपको कहे जी मेरी तो सरकारी नौकरी है तो मेरा क्या हो सकता है, भैया तेरा ट्रांसफर हो जाएगा। सर एक बारी मैं बात बोलू थोड़ा सा? हाँ बोले। नौकरी के नौ काम, दसवां काम हांजी, चाहे नौकरी कोई भी हो। क्या कह रहे हैं? नौकरी के नौ काम, हाँ, दसवां काम हांजी। बहुत सुंदर लाइन बोली, आई अप्रिशिएट यू, बहुत सुंदर लाइन बोली। नौकरी के नौ काम, दसवां काम हांजी, दसवां काम हांजी वाला, बहुत सुंदर लाइन, थैंक यू। अब आता है कि एक और बात बताते हैं आपको,
कुछ लोग आगे क्वेश्चन पूछते हैं, साहब मैं नौकरी कब चेंज करूंगा या नौकरी कैसे बदली जाएगी। अब आप कुंडली में देखो सूर्य और मंगल इकट्ठे हैं, तो कम से कम आदमी जिंदगी में दो बार तो नौकरी बदलेगा, ठीक है। अब आपको एक और अच्छी नाड़ी की चीज बताता हूं, सूर्य और मंगल किसी की कुंडली में है सपोज इवन इन द लग्न इटसेल्फ असेंडेंट में, तो उसके फादर ने लाइफ बड़ी स्ट्रगल वाली जी है, सिंपल बात, एंड लिटिल बिट डेट इफेक्ट कम्स टू यू बिकॉज सूर्य जो है पंचम भाव का मालिक है, यानी सूर्य क्या है, पिता भी है और पुत्र भी है, कोई गलती से ना गलतफहमी पाले, सूर्य पिता भी है और पुत्र भी है। तो वो एक जेनेटिक वाली आप बात कह ले इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, वो इफेक्ट आ जाता है, क्लियर है। दूसरा क्या होता है, अभी मंगल इस साल वक्री होंगे, काफी साल से वक्री नहीं थे, अभी मंगल वक्री होंगे, जब भी मंगल वक्री होते हैं बॉस डंडा पकड़ लेता है आपके प्रति, बड़ा हार्ड हो जाएगा, He'll use harsh word even. मंगल जब भी वक्री होगा बॉस सख्ती अपनाता है ऑफिस में, कीप इट इन माइंड ड्यूरिंग दैट पीरियड कूल डाउन टू योर सेल्फ, डू ऑल द वर्क गिवन बाय योर बॉस, सिंपल, काहे को टेंशन लेना भाई, आपको सिंपल सी थ्योरी बता दी उसको आराम से करिए, अपने को झंझट थोड़ी पालने हैं, क्लियर है। एक होता है व्यापार के अंदर भी बात आती है, थोड़ा नौकरी का बताया, व्यापार भी तो थोड़ा बताना है ना हमको। अब व्यापारी आदमी है, उसकी कुंडली में मंगल और राहु इकट्ठे बैठे हैं, एज पर द नाड़ी दिस इज कॉल्ड धूर्त योगा, धूर्त योग मतलब वो आदमी धूर्त नहीं है बाबा, उसको गलत लोग मिलेंगे, चीटिंग वाले लोग मिलेंगे, गलत लोग मिलेंगे, ठीक है, बात समझ में आया, अर्थात उसके साथ चीटिंग होगी। मंगल एंड राहु इफ कंजक्ट इन योर बर्थ चार्ट D1, इट मींस इट इज कॉल्ड धूर्त योगा एज पर द नाड़ी, ठीक है। धूर्त योगा का क्या मतलब है कि आपको कोई ना कोई ठग के चला जाएगा बाबा। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले राहु यहां पर है और आपकी कुंडली में यहां मान लीजिए मंगल और राहु इकट्ठे बैठे हैं, अब आप पूछो जी इंसिडेंट कब होगा, राहु आ गए ना मेष राशि में, जब ट्रांजिट करते हुए मंगल भी यहां आ जाएंगे अब होगा इंसिडेंट, बात क्लियर हो गया, कोई डाउट भाई इंसिडेंट कब होगा ना, आप यही तो पूछ रहे हो, बाकी डिटेल में नहीं दे सकता, वो क्लास में दूंगा काफी कुछ, ठीक है, यहां तो मैं थोड़ा इतना ही फिर भी काफी बारीकी से दे ही रहा हूं, क्लियर है। मान लीजिए किसी का जुपिटर 10th हाउस में है, बाई चांस वो डेबिलिटेड भी है जुपिटर, कोई और राशि हो तब भी एज पर द काल पुरुषा कुंडली जुपिटर इज ट्रीटेड इन 10th हाउस एज अ डेबिलिटेड प्लेनेट, क्लियर। ऐसा आदमी जितना व्यापार में धर्म को इन्वॉल्व करेगा भाई साहब भंडारे की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा उसको, फिर वो गरीब होता चला जाएगा, व्यापार में धर्म नहीं ला सकता वो गलती से भी, आइदर पहला पोजीशन है 10th हाउस, सेकंड पोजीशन है 7th हाउस, इट कैन नॉट इन्वॉल्व धर्मा इन हिज बिजनेस, इफ ही ट्राइड टू गेट लिटिल बिट इन्वॉल्वमेंट He will be the loser in the business. Clear? दूसरा जुपिटर जो है आदमी क्या करता है, जरूरत से ज्यादा दूसरे पर विश्वास कर लेता है जिसके कारण उसको धोखा मिलेगा। जुपिटर क्या देता है, आपको सॉफ्टनेस देता है, आपके अंदर एक क्लैरिटी देता है, लेकिन लोग आपकी उसी सोबरनेस का फायदा उठा के आपको चीट कर लेंगे, बात क्लियर हुआ। इस कोर्स के अंदर मैंने चीटिंग का चैप्टर भी ऐड किया हुआ है, कैन यू इमेजिन, चीटिंग का चैप्टर ऐड किया हुआ है नंबर एक, नंबर दो मैंने लोन सैंक्शन का भी चैप्टर ऐड किया हुआ है, लोन का भी चैप्टर ऐड किया हुआ है, थोड़ा सा मैं लोन का भी बताता हूं। 6th हाउस होता है छोटा वाला लोन और 8th हाउस होता है बड़ा वाला लोन,
बड़ा वाला, ठीक है, ये छोटा और बड़ा लोन होता है। नंबर दो, कभी भी हमको लोन जो है वो वृद्धि योग में नहीं लेना। भाई साहब वृद्धि योग में लोन अगर आपने ले लिया, डिटेल क्लास में होगी भाई, कोई मेरे से वृद्धि योग ना पूछे, वृद्धि योग में ले लिया तो पुराने जमाने की फिल्म आती थी ना, वो कौन सी थी कि किसान ने लोन ले लिया साहूकार से, अब उसका बेटा चुका रहा है, फिर उसका पोता चुका रहा है। भाई साहब ये जेनेटिक आ जाएगा फैमिली में। डोंट टेक लोन इन वृद्धि योगा। होगा क्या, वृद्धि योग में ले लिया तो आपको इस लोन की पेमेंट के लिए दूसरा लोन लेना पड़ जाएगा, जान ही नहीं छूटेगी इससे। नेवर टेक लोन ऑन ए संक्रांति। तो कुछ डेज होते हैं जहां आपने लोन नहीं लेना। द बेस्ट डे टू टेक अ लोन इज ओनली द फ्राइडे। द डे एज आई टोल्ड यू, फ्राइडे इज द बेस्ट डे टू टेक अ लोन। रेस्ट ऑफ द अदर डेज काटा ही मार दो उन पर, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक और चैप्टर थोड़ा सा डाला है, वो डाला है वास्तु का भी। क्यों डाला वास्तु का, हमने ज्योतिष तो कर लिया साहब, मेरा सारा कुछ ठीक है जी, क्या ठीक है जी, मेरी दशा ठीक चल रही है, ओके जी दशा ठीक चल रही है, मेरा जो ट्रांजिट भी ठीक चल रहा है, ओके जी, सर मेरा काम नहीं बन रहा, अच्छा जी ये उपाय कर लो। अरे भैया इस उपाय को करने से पहले चेक योर नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज। मैंने इसलिए डाला है कि आपको अच्छे से आ सके। अगर मैं ये चैप्टर थोड़ा सा जो वास्तु का है अगर नहीं ऐड करूं तो कोर्स मेरा तब भी कंप्लीट है, मैं तो पढ़ा क्या रहा हूं, जॉब है ये, बिजनेस है बस। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको भी ऐड करना जरूरी है। तो आपकी दशा भी थी, आपका ट्रांजिट भी था, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन आपकी अफ्लिक्टेड होगी। नॉर्थ का जो है उस पर आपका कलर गलत होगा, रेड कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है, आप समझ रहे हैं, कुछ गलत आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखे होंगे। सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। सेकेंडली अब देखो ये हो गया अपॉर्चुनिटी, हो गया ये अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए आती है, जॉब वाले के लिए भी और बिजनेस के लिए भी, ठीक है। नाउ कमिंग अप टू द बिजनेस, बिजनेस वाले पर चले हम, बिजनेस वाले पे चलते हैं। बिजनेस वाला कह रहे हैं जी मेरे लिंक नहीं पैदा हो रहे, मेरे लिंक अच्छे बन नहीं रहे, मेरी दशा भी ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, अब हुआ क्या कि उसकी दशा ठीक थी बिजनेसमैन की, दूसरा क्या ठीक था, उसका ट्रांजिट भी ठीक था, पर काम बनते बनते अटक रहा है थोड़ा सा। क्या है, आप देखिए क्या आपकी ईस्ट डायरेक्शन दूषित है। ईस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है कम्युनिकेशन लिंक, समझे आप, वहां पर कोई इन्वर्टर तो नहीं पड़ा, वहां पर रेड टेक्सचर का कुछ है तो नहीं है, रेड कलर तो नहीं है, समझ आया। ये छोटी सी वास्तु की टिप्स आपको हेल्प कर जाती हैं। अगर ये वास्तु की टिप्स भी आपकी हेल्प कर गई तो भाई जब आप तो बिना रेमेडी के आगे निकल गए, रिगार्डिंग माय पॉइंट। अगर आपने ये भी नहीं की देन हम क्या कह सकते हैं, तब हमें प्लेनेट की रेमेडी करनी, पहले नहीं कूद जाना प्लेनेट की रेमेडी करने पर। बात क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? हाँ जी सुब्रतो जी, कुछ समझ आ रहा है आपको? सुब्रतो जी बताइए, कुछ समझ आया आपको? हाँ जी बोलिए सर। हाँ सर समझ आ रहा है। अब क्या है कि देखो, मान लो किसी का शनि था, देखो एक डिफरेंस मैं बता देता हूं, जिन लोगों का कुंडली में राहु अच्छा है उनको वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब देगा,
जिनका केतु अच्छा है वो छोटी कंपनी में नौकरी ढूंढे, वहां उनको प्रोग्रेस मिलेगी। बात क्लियर हो गया? वो मल्टीनेशनल कंपनी में जाएंगे तो जल्दी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। केतु मीन सरप्राइज, वो छोटा करता है। केतु का मतलब है टू मेक यू रिजर्व। राहु मीन्स डिजायर, एक्सपेंड करना। जिसका राहु अच्छा होगा मल्टीनेशनल कंपनी में जाएगा, फॉरेन जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्लियर हुआ पॉइंट? अब मान लीजिए किसी का दोनों पॉइंट होते हैं, राहु बैठा था शनि आ गया, या किसी की कुंडली में, मैं ऐसे ही रख रहा हूं टेंथ हाउस में, इजी है देखने में, राहु आ गया उसके बाद जॉब नहीं थी, जैसे ही ट्रांजिट के राहु ने शनि को टच किया, बंदे को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगा। दिस इज एज पर द नाड़ी। सुब्रतो जी अब समझ आया? मैंने बोला तो आपको पता लगा, नहीं तो आप कहां पता लगता है आपको? मैं बता रहा हूं तो पता लग रहा है ना, अदरवाइज तो वही है, वेदी की है। तो मैंने नाड़ी की वो टेक्निक फॉलो करी जो सिर्फ वेदी में इजीली फिट हो जाए, पता भी ना लगे कहां फिट हो गई। इज इट क्लियर टू यू? नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, क्या होता है, मून मींस ट्रेवलिंग, कहीं पे भी जब भी साढ़े साती आती है तो आदमी जॉब शिफ्ट करता है। सिंपल बात, मून मींस ट्रेवलिंग। ठीक है, मून मींस ट्रेवलिंग। तो मून जब भी सैटर्न के साथ कंजक्ट करेगा तो वो जॉब में ट्रांसफर करा देगा, गवर्नमेंट जॉब होगी, प्राइवेट होगी, तो छोड़ करके दूसरी नौकरी करेगा। अब किसी की कुंडली में मान लो मून शनि बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा और शनि बैठे हैं, भैया तो ट्रेवलिंग वाली कंपनी ढूंढ लेना, बात ही खत्म कर। जिसका प्रोफेशन ही ट्रेवलिंग है, तू टिका रहेगा, कंपनी ट्रेवलिंग वाली है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, एक और अच्छी बात बता देता हूं। जो भी लियो असेंडेंट वाले हैं, आई एम सेइंग लियो असेंडेंट, इनको गलती से भी मार्केटिंग की फील्ड में नहीं आना चाहिए, धक्के खाने का योग होगा। भैया काहे को आ रहे हो, आपके लिए नहीं है। सूर्य राजा है, आपको मैनेजमेंट स्किल पकड़नी है। मैनेजमेंट स्किल पकड़नी है, मार्केटिंग लाइफ में कभी मत पकड़े, पकड़ा तो गए काम से आप अपना टाइम, अपना एनर्जी सब वेस्ट कर दिए। किसी ने 4 साल गंवा दिए, वेस्ट कर दिए बाबा, कोई अच्छा ज्ञानी मिला नहीं उसे गाइड करने का। भैया तुम्हारा राजा वाला लगन है, काहे को धक्के खाने वाला जॉब कर रहे हो तुम मार्केटिंग का? इज इट क्लियर टू यू? सो वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर, लास्ट वन पॉइंट। सपोज जुपिटर, एज आई टोल्ड यू, इज द जीव कारका। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहां बैठा है और ट्रांजिट में जुपिटर यहां आया, तो चेंज करा देगा ना बाबा। मून का मतलब होता है चेंज, चेंज करा देगा, सिंपल सी बात है। कहीं दिमाग नहीं लगाना, आपको इजी वे में, बहुत इजी वे में पढ़ाया जाएगा। इससे ज्यादा इजी वे जो आप देख रहे हैं, इसी इजी वे में आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। एनीवन हैविंग ए क्वेरी और क्वेश्चन कैन रेज अ हैंड, तो मुझे आप कह दें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। बेसिकली तो डेमो एक इंट्रैक्शन है, वे ऑफ टीचिंग है कि आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बट मैं अपनी क्लास में कम से कम जो है वो 2 या 3 बारी जरूर बोलता हूँ हर पॉइंट को, सो डेट एवरी वन कैन फॉलो अप दिस थिंग। कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट आउट ऑन मंडे, मंडे को हो जाएगा स्टार्ट। दिस कोर्स टाइमिंग इज 9:30 to 10:30 PM, इजी टाइम, एवरी वन कैन ज्वाइन द कोर्स, नंबर 1। नंबर 2 जो है, क्या है, फी है ओनली
2111 नंबर 3 दिस इज अ 5-डे कोर्स डेली क्लासेस विल बी कंडक्टेड डेली और फोर्थ पॉइंट इजी वे ऑफ टीचिंग क्लियर है सबको हाँ जी किसी का कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं गुरु जी एक बात कहनी थी बोलो ना भगवान सर मेरा तो राहु डेब्यूटेड है तो फिर भी मैं सारा जिंदगी एजेंसी में काम किया हूँ सर व्यक्तिगत नहीं वाली बात आ जाएगी ना फिर वही वही वाली बात आ गई देखो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिंपल सा टेक्निक सिखाया साढ़े साथी है जॉब चेंज होगा और अच्छी बात सबको बता रहा हूँ साढ़े साथी में अगर आप 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे तो 25,000 की नौकरी मिलती बहुत अच्छा बात है ये बात याद रखिए साढ़े साथी में नहीं बात चल रहा है दो तीन जगह हो जाएगा सर आप बताओ सैलरी की बात जो मैंने कही है वो बताओ आप मेन बात पे आओ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं चांसेस हैं या नहीं है चांसेस है आगे ना बात यस भानु वर्मा जी बोलिए जल्दी सर फोर्थ हाउस में जुपिटर होगा तो प्रोफेशन चेंज कर देगा किसने कहा है आपसे सर अभी आपने तो कहा था अरे बाबा मैं कहीं तो लिखूंगा बाबा अच्छा कहीं तो लिखूंगा बाबा ये है आप आन मत लो शनि मैंने 10th हाउस में बिठाया तो 10th हाउस नहीं है मैंने कहीं तो रखना है ना प्लेनेट को ये मीनिंग होता है राइट सर आनंद जी बोलिए आपका क्या क्वेरी है सर आपने जो बात बोली सिंह लग्न रहेगा तो ये भी स्किल डेवलप करो वैसे हर लग्न के बारे में आप बताएंगे क्या नहीं 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 जिसका जो सबसे खासम खास पॉइंट था ना वो यही था और एक बात बता देता हूँ ये थ्योरी सबसे गलत है कि 12 लग्नों का अलग अलग मीनिंग है ऐसा नहीं होता मैं रहेंगे ना हेलो हाँ सर स्किल तो रहेगा ना सर हाँ जी स्किल जैसा भी सिंह लगने के लिए स्किल मैनेजमेंट का ये बोला ये सबसे खासम खास पॉइंट था मैंने डेमो में शेयर कर दिया इसमें शेयर करने वाला पॉइंट नहीं था ये जबकि नहीं आप इसमें कोर्स में करने वाले क्या हर लगने के अरे बाबा हर लगन का मीनिंग नहीं होता मैं प्यार से आपको बता तो रहा हूँ हर लगन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाता है जो फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं वैसे ही लगन वाले इंडिया में हजारों पड़े वो फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं है वो कॉम्बिनेशन होते हैं सर हाँ नहीं हमें कॉम्बिनेशन बेसिकली रूल एंड प्रिंसिपल फॉलो करना है एस्ट्रोलॉजी में ना कि असेंडेंट फॉलो करना अब बात समझिए लगन नहीं फॉलो करते नहीं बराबर हुआ सर लगन नहीं फॉलो करते लगन से गड़बड़ हो जाएगा सर नहीं वो मैच होता है मैंने एक लड़के का देखा था आप कर लीजिए सर मैच होता है तो कर लीजिए मैंने तो आपको जो बेस्ट टेक्निक थी वो शेयर करी है क्लास कल वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का डेमो है मंडे से क्लासेस स्टार्ट होगा क्योंकि ये जो मैं कोर्स कराऊंगा इसके अंदर जो टेक्निक वर्क करती है ना वो टेक्निक आप जानेंगे टाइम पास नहीं होगा कोई भी टेक्निक आपको टाइम वेस्ट करने वाली नहीं होती क्योंकि अभी आनंद जी ने जैसे लगना का कहा इंडिया में करोड़ों लगना सेम है सेम नहीं हो सकता सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो टेक्निक को फॉलो करके आगे चले आपके पास टेक्निक है लगना कोई भी है जो टेक्निक वर्क करेगा कोई भी लगना है अगर 9th और 10th लॉर्ड का ट्रांजिट में कंजक्शन हो जाता है म्यूचुअल एस्पेक्ट हो जाता है तो लाइफ में अपलिफ्टमेंट का टाइम है वो तो आप जिंदगी में ऊपर उठेंगे भाई साहब ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है लगन कोई भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है हमें तो लेना देना किससे है ठीक है ना वो इसी से है सर चेंज ऑफ जॉब तो होती है लेकिन चेंज ऑफ प्रोफेशन कैसे हो सकता है हाँ वो सारा क्लास में चेंज हो जाए अरे मेरे भगवान आपके श्री चरण कहाँ है क्लास में बताऊंगा ना चेंज ऑफ प्रोफेशन अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप मेरी बात समझ रहे हैं ना राइट सर राइट सर राइट
अब एक एग्जाम्पल अभी सुन लो, मंगल शनि वाला है, ये करते हैं कई बार ऐसे, इंजीनियरिंग किया होता है पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, टेक्निकल साउंड होते हैं फिर पता नहीं मार्केटिंग में चले जाएंगे, ये मंगल शनि वालों में दिक्कत रहती है। क्योंकि सर मेरी भी बिल्कुल लाइन, कहाँ टीचिंग थी, कहाँ एस्ट्रोलॉजी होगी, कहाँ पेंटिंग हो गई, बड़े आपका क्या डिफरेंट। 10th house में सूर्य है क्या? हाँ जी हाँ, अभी तो भाषण दिया था मैंने, ये 10th house वाले सूर्य अपनी लाइफ तबाह कर लेते हैं, बस जैसे ये 20 साल के होते हैं ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाने चालू कर दीजिए, और 24 साल के हुए थे, 22 साल के हुए नौकरियां करने चालू करके, भी पैसा चाहिए, अपना सूर्य खराब कर डाला। नहीं सर, हमने ट्यूशन नहीं करी, हमने नहीं ट्यूशन पढ़ाई कुछ और किया होगा। हाँ जो भी किया किया तो था ना, अर्ली एज में अर्निंग शुरू कर दीजिए आपने सर, पढ़ाई करके, वो जो भी है मेरे भगवान जो भी है। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन मंडे एट 9:30, सो दोज हुज हु आर इंटरेस्टेड वो अपना एनरोल करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।